नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग TGT चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस संख्या 7 हल करेंगे। तो प्रिय मित्रों, प्रैक्टिस सेट आपके लिए हल करना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट हल करने से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि हमारी तैयारी कैसे चल रही है और किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट आप पूरा हल कीजिए, एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखिए और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं इस प्रैक्टिस सेट में आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2014 की क्रिस्टीज नीलामी में राजा की पेंटिंग ला टेरे कितने रुपए में बिकी। तो 2014 क्रिस्टीज नीलामी में हैदर राजा की पेंटिंग ला टेरे 18.61 करोड़ रुपये में बिकी थी। अब बात कर लेते हैं क्रिस्टीज क्या है। तो क्रिस्टीज एक ब्रिटिश नीलामी घर है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1766 ईस्वी में हुई थी। जेम्स क्रिस्टीज के ने इसकी स्थापना की थी और इन्हीं के नाम पर क्रिस्टीज नीलामी घर रख दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हुसैन की आत्मकथा पर एक फिल्म उनके चित्रकार व फिल्मकार बेटे ओबेस हुसैन बना रहे हैं, इस फिल्म में मुख्य भूमिका कौन निभा रहा है। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, त्रेसे तटपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरमैन कॉमिक चरित्र का सृजन किसने किया था। तो सुपरमैन कॉमिक का जो चरित्र का सृजन किया था जेरी सिगेल और जॉय सेस्टर ने किया था। ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यासकार समरेश बसु ने किस कलाकार के जीवन पर आधारित एक उपन्यास देखी नाई फिरे अर्थात मुड़ कर नहीं देखा लिखा है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, राम किंकर बैज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं होती है। तो चार विकल्प है, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकार। रविंद्रनाथ टैगोर मूर्तिकार नहीं थे, ये चित्रकार भी थे, कवि भी थे और साहित्यकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, प्रेम। गीत गोविंद के चित्र जो हैं वो प्रेम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंबंध क्या है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, देवगढ़ शैली जो है वो तीनों से अलग है, राजस्थानी मुगल पहाड़ी ए इन तीनों से देवगढ़ शैली अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सुसज्जित किया था। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस हाल्स डच चित्रकार अपने चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, व्यक्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं फ्रांस हाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बारह सिंघे का आखेट चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लखुनिया। बारह सिंघे का आखेट लखुनिया से प्राप्त हुआ है उसका चित्र। नेक्स्ट, बेलारी के शिला चित्रों की खोज कब हुई थी। तो इसका जो सही विकल्प होगा 1892 ईस्वी में बेलारी के शिला चित्रों की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने प्रसिद्ध चित्रकार राम कुमार को 2010 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कलाकार निर्वासनाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, F.N. सूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे। तो ए ह्यूम जो थे वो ब्रिटेन के थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत मीमांसा के ग्रंथकार कौन है।
तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी राणा कुंभा, संगीत मीमांसा ग्रंथ के रचनाकार राणा कुंभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर रही कला से मरी हुई कला श्रेष्ठ है यह कथन किसका है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सैमुअल वर्टसर ने कहा था, मर रही कला से मरी हुई कला श्रेष्ठ है, इसको कहा था सैमुअल वर्टसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा कलाकार घनवाद से प्रभावित नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सैलोज मुखर्जी। सैलोज मुखर्जी घनवाद कला से प्रभावित नहीं है, बाकी तीनों कलाकार जॉर्ज कीट, राम कुमार और जहांगीर सांवाला, ये तीनों घनवाद से प्रभावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय पीड़ा, निराशा और मानव क्रूरता किस शैली में सर्वाधिक अभिव्यक्ति होती है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अभिव्यंजनावाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी तबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज तरंगड़ी की रचना किसने की? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कल्हड़ ने, राज तरंगी की रचना कल्हड़ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के चित्रों की अनुकृत करने वाले प्रथम छात्र किस स्कूल से संबंधित हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सर जे जे स्कूल से संबंधित हैं अजंता के चित्रों की अनुकृत करने वाले छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का प्रथम फेलोशिप किसे प्रदान किया गया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए स्वर्गीय राय कृष्णदास को। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का प्रथम फेलोशिप जो दिया गया था वो राय कृष्णदास को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, चालुक्य कला केंद्र थे, तो चालुक्य कला केंद्र जो थे वो बादामी, आहिहोल और पडक्कल थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चालुक्य कला केंद्र बादामी, आहिहोल और पडक्कल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुकनुद्दीन किस शैली का चित्रकार था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बीकानेर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार रुकनुद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सी गर्ल, जिप्सी गर्ल किस चित्रकार का प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए फ्रांज हाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाजा में कुल कितनी गुफाएं का निर्माण हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, भाजा में कुल कितनी गुफाओं का निर्माण हुआ है? तो ऑप्शन बी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्टन का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अंकारा, अगस्टन का मंदिर अंकारा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कौन था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सिंधु नदी के तट पर सिंधु सभ्यता विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर में स्थित गोल गुंबद के वास्तुकार कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी इब्राहिम रोजा। बीजापुर में स्थित गोल गुंबद के वास्तुकार जो थे वो इब्राहिम रोजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एफ हुसैन द्वारा निर्मित पहली फिल्म कौन सी थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर, एम एफ हुसैन की पहली निर्मित फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रसूत्र में कितने प्रकार के वर्ण बताए गए हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 5 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं चित्रसूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर कला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी चार्ल्स क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी पॉप कलाकारों में कौन सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी रॉबर्ट रोसेन वर्ग। अमेरिकी पॉप कलाकारों में सबसे प्रसिद्ध हैं रॉबर्ट रोसेन वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी बूदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर का निर्माण
किस वंश के शासकों ने करवाया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, चंदेल वंश के शासकों ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र के सम्राट को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, फारोह। मिस्र के सम्राट को फारोह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, बेबुलोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरूत स्तूप की खोज कब हुई थी? तो भरूत स्तूप की खोज जो हुई थी वो 1873 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, द्रविड़। सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा के चित्र कब बने? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 1597 ईस्वी में बाबरनामा के चित्र बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कृत में से उस कृत की पहचान कीजिए जिसका चित्रांकन अवींद्रनाथ टैगोर ने किया। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, तिसरक्षिता, इसकी रचना अवींद्रनाथ टैगोर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगेंद्रनाथ टैगोर द्वारा कैनवास पर तैल रंग में चित्रित चित्र का शीर्षक क्या था? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, प्रणयदूत। गंगेंद्रनाथ टैगोर द्वारा कैनवास पर तैल रंग से चित्रित प्रणयदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीघाट में बाल रूम डांस नामक चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गंगेंद्रनाथ टैगोर। कालीघाट शैली में बाल रूम डांस का चित्रकार गंगेंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, हंगरी का किसान चित्रांकन किसने किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप पूजा अजंता के किस गुफा में बना प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका जो सही विकल्प होगा गुफा संख्या 9 में, स्तूप पूजा का चित्र जो है वो गुफा संख्या 9 में मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा के किस चित्रों में किले में राजपूत वीरांगनाओं का जौहर दिखाया गया है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, चित्तौड़गढ़ के का घेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लिथोग्राफिक पेंटरों के लिए विख्यात है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जूल चर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता में कुल 5 चैत गुफाएं हैं तो कितनी संख्या में बिहार गुफाएं हैं? तो इसका जो विकल्प होगा सही वो 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन समकालीन चित्रकार एक फिल्म स्टार के चित्रों की श्रृंखला बना रहे हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, MF हुसैन ने समकालीन चित्रकारों का एक फिल्म स्टार चित्रों का एक श्रृंखला बना रहे थे। MF हुसैन की मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा की मूर्तियां बनी हैं, तो मथुरा की जो मूर्तियां बनी हैं वो लाल बलुआ पत्थर रेड स्टोन से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, अब्दुल समद सिराजी तथा मीर सैयद अली को किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपने दरबार में आमंत्रित किया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, हिमाऊ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा में लगभग सभी अक्षर किस अक्षर लिप में से आए हुए हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर शैली में कर्ण सिंह के शासनकाल में लक्ष्मी नारायण का चित्र किसने चित्रित किया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अली रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लेमेड मैजिक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, नेवली तुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक पुनरुत्थानवादी चित्रकार सैंड्रो बेटेचिल्ली प्रसिद्ध कलाकार था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, इटली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, गणपत बी स्थापित। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक गणपत बी स्थापित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पाल बंसो ने भारत में लघु चित्रों की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोग्राम किस पॉप कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट रोसेनबर्ग, मोनोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबरा मंडल की स्थापना 1948 ईस्वी में कहाँ हुई? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, हॉलैंड के अमस्टरम में कोबरा मंडल की स्थापना 1948 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषय पर चित्र बनाए? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जहांगीर के शासनकाल में अबुल हसन ने ईसाई विषय पर चित्र बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की हमाम खाना किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, इंग्रेस, तुर्की हमाम खाना इंग्रेस का प्रसिद्ध चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जियोत्तो, आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार जियोत्तो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी की रहस्यमय पहेली किसे कहा जाता है? तो नारी की रहस्यमय पहेली किसे कहा जाता है? मोनालिसा को कहा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुलिपि चित्र बनाए गए थे? तो पांडुलिपि चित्र जो बनाए गए थे वो तालपत्रों पर बनाए गए थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी का मूर्तिकार कौन था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, वर्णिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिपुर कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने हरिपुर कांग्रेस के पोस्टर का चित्रण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमजानामा के चित्र किसके समय बने? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अकबर के समय हमजानामा के चित्र बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, विश्व के 7 अजूबों में शामिल पेट्रा कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जॉर्डन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेस्को तकनीक कौन सी है? तो इसका जो सही विकल्प होगा फ्रेस्को सेस्को और फ्रेस्को बूनो, ये दोनों तकनीक फ्रेस्को तकनीक की श्रेणी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोकोलिक रंग के लिए प्रयुक्त माध्यम क्या है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, तीनों। एक्रोलिक रंगों के लिए प्रयुक्त माध्यम ग्लास, मैट और जेल, ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एफ हुसैन के चित्रकार पुत्र कौन है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, शमशाद हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र किस शैली में बने? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पहाड़ी शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, बंगाल स्कूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैल चित्रण का माध्यम नहीं है? तो तैल चित्रण का जो माध्यम नहीं है वो ऑप्शन सी, प्लास्टिक एमलसन, ये तैल चित्रण का माध्यम नहीं है, बल्कि तारपीन, अलसी का तेल, वार्निश, ये तीनों तैल चित्रण माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रकार पोत का नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सांकेतिक, ये पोत का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, सतीश गुजराल का जन्म झेलम पाकिस्तान में कब हुआ था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पाल शैली में, सॉरी ऑप्शन डी, राजस्थानी शैली में। राग रागनियों का अंकन राजस्थानी शैली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट संग्रहालय में मातिस का डांस चित्र संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का प्राचीन नाम ब्रह्म देश या बर्मा था?
तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्रों के निर्देशक कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सत्यजीत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी डॉक्टर हमरन गोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से घनवादी पेंटर हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए एन एस बेंद्रे, एक घनवादी पेंटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी पॉल गॉगिन से, अमृता शेरगिल मुख्य रूप से पॉल गॉगिन से प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए 28 वर्ष की आयु में अमृता की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रों और अक्षरों को किस कलाकार ने आकृतियों के साथ अपने चित्रों में संयोजित किया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी नीरद मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना तुलिका की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो बिना तुलिका की सहायता से पेस्टल रंग लगाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल पर लड़कियां नामक चित्र किसका है? तो पुल पर लड़कियां नामक चित्र जो है वो है मुंक का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैल रंग चित्रण हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी जल रंग, तैल रंग चित्रण हेतु जल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, रेमंड ड्यूसा बीले को हार्स शीर्षक की मूर्तियाँ किससे बनी हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कांसे के। ड्यूसा बीलो का जो हॉर्स शीर्षक से मूर्ति बनी है वो कांसे से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस कलाकार ने बेल्जियम दूतावास को डिजाइन किया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सतीश गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क में सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमाओं को किससे बनी हुई है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी काला ग्रेनाइट। कोणार्क में सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमाएं जो बनी हैं वो काला ग्रेनाइट से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए हयू, रंग को तकनीकी भाषा में हयू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी प्रसाद राय चौधरी निर्मित विशाल मूर्ति शिल्प शहीद स्मारक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, मिस्र की कला शैली का किस अवधारणा से संबंध है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए आत्माओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है यह कथन किसका है? रस कला की आत्मा है यह कथन है अभिनव गुप्त की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्तियों पर आर्काइव मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए ग्रीस। मूर्तियों पर आर्काइक मुस्कान ग्रीक की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहाँ की चित्रकला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी होनहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारदर्शक तकनीक नहीं है, तो जो पारदर्शक तकनीक नहीं है वो ऑप्शन डी स्कैम्बलिंग जो है पारदर्शक तकनीक नहीं है। वास आला प्राइमा और स्पाइजिंग ये पारदर्शक तकनीक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल रंग चित्रण हेतु प्रयुक्त तुलिका क्या होती है? तो जल रंग चित्रण हेतु प्रयुक्त तुलिका जो है सेमल की तुलिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा व व्यभिचारिणी किसके द्वारा निर्मित चित्र है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी नोल्डे के द्वारा। ईसा व व्यभिचारिणी जो चित्र है नोल्डे ने चित्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस देश में कोई भी मंदिर या मस्जिद नहीं है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सऊदी अरब। इस प्रश्न को आप एक बार सर्च कर लीजिएगा नेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ललित कला तथा ललित कला
कंटेम्प्री समसामयिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित की जाती है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एस बेंद्रे का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, इंदौर में, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, विभाजन त्रासदी किस कलाकार की प्रसिद्ध चित्र है? इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सतीश गुजराल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेम सीरीज किसकी कृति है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कृष्ण खन्ना। गेम सीरीज जो है कृष्ण खन्ना की प्रसिद्ध कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमेज टू वान गॉग किसने एक्रोलिक माध्यम से बनाया? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बी पारितोष सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समकालीन चित्रकार नहीं है? तो समकालीन जो चित्रकार नहीं है अमृता शेरगिल नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पशु पक्षियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहब सिंह किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ कार्टून कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ कार्टून आर्ट कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक रंग होते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, रासायनिक तत्वों से निर्मित, पशु जगत से निर्मित, वनस्पति जगत से निर्मित, ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र प्रकाश को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा हाईलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मूर्तिकार नहीं हैं? तो इनमें जो मूर्तिकार नहीं हैं वो सुकुमार बोस हैं। सुकुमार बोस मूर्तिकार नहीं है। मीरा मुखर्जी, उषा रानी हुजा और मृणाली मुखर्जी, ये तीनों मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध प्रतीक्षा, बुद्ध का त्याग तथा झूला किस कलाकार के प्रसिद्ध चित्र हैं? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रणवीर सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कला शैली को आगरा शैली भी कहा जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मुगल शैली को आगरा शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे के प्रसिद्ध मूर्तिकार अवनीश कपूर को भारत सरकार ने 2012 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की कोटा शैली के विषय में सर्वोत्कृष्ट है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोथिक शैली का प्रमुख निर्देशक है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, चेस्टेस कैथेड्रल। गोथिक शैली का प्रमुख निर्देशन चेस्टेस कैथेड्रल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय क्या है? तो प्रारंभिक पुनर्जागरण कला का जो समय है वो 1420 से लेकर 1500 ईस्वी तक मानी जाती है। और 125 क्वेश्चन और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, हाईलाइट दिखाने हेतु कागज़ को श्वेत रखा जाता है? तो इसका जो सही विकल्प होगा जल रंग में। हाईलाइट को दिखाने हेतु कागज़ को श्वेत रख दिया जाता है जल रंग में। तो यहीं पर हमारा आज का प्रैक्टिस सीरीज समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगले प्रैक्टिस सेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।